तो देखिए, एक तरफ आपने तस्वीर देखी कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में लू की आशंका है। दिल्ली में भी ज्यादा रहेगा तापमान। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, लगातार गर्मी की तपिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात महाराष्ट्र की करें, पश्चिम बंगाल की करें, तो लू की आशंका जताई गई है। दिल्ली में भी तापमान ज्यादा रहेगा। झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, तो इस वक्त ये पूरा इलाका गर्मी की वजह से यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, पहली तस्वीर हमने आपको हिमाचल प्रदेश से दिखाई थी, जहां जबरदस्त बर्फबारी हुई है, और इन दो तस्वीरों के जरिए देखिए कि इस वक्त देश में मौसम का मिजाज किस तरह से बदला हुआ है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां बर्फ की मोटी चादर हर तरफ बिछी हुई नजर आ रही है। क्या घर की बात करें या पेड़ पौधों की बात करें, दुकानों की बात करें, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई नजर आ रही है। एक बेहद खूबसूरत तस्वीर, और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो ठंड का एहसास करें। लेकिन दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए, राजधानी दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें, या मध्य प्रदेश की बात करें, इन तमाम राज्यों में लू की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से लू की आशंका जताई गई है। दिल्ली में भी ज्यादा रहेगा तापमान और मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरह से इस वक्त देश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है।